ओम श्री सतनाम साखी, जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 13, प्रवचन 2, मन अमृत वेले जाग तू, पार्ट 2। अमृत वेलो आनंद वालो, रहे गुरु जो खुलियो द्वारो, गुरचरणन में लाभ तू, गुरचरणन में लाभ तू, कुटी खोल जो बाग तू, मन अमृत वेले जाग तू, मन अमृत वेले जाग तू, कुटी खोल जो बाग तू, मन अमृत वेले। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, अमृत वेला वास्तव में है ही ऐसी जैसे अमृत। अमृत वेले में यदि छोटा बालक रोता हो या शोर करता हो या कोई घर का बड़ा सदस्य ज्यादा बोलता है तो सभी उससे कहते हैं, क्या ये समय शोर शराबा करने का है? अभी अमृत वेला है, शांति से बैठ जाओ, भगवान का नाम लो। अज्ञानी से अज्ञानी, अनजान से अनजान संसारी लोग भी ऐसा ही कहते हैं, शांति करो, शोर शराबा मत करो। अमृत वेले में शांति करो, शोर शराबा मत करो, क्योंकि ये समय ऐसा है। चाहे उस समय बैठकर भजन करें या ना करें, किंतु उस समय का असर तो रहता ही है। ये बात दूसरी है कि हम उस अवसर का लाभ नहीं लेते, किंतु संत उस अवसर का लाभ लेकर नाम जपते हैं। यदि कोई सूर्यास्त के समय सोता रहता है तो उसे भी सभी कहते हैं कि अभी सूर्यास्त का समय है और तुम सो रहे हो, चलो उठकर बैठो। अर्थात सूर्यास्त के समय भी सोना ठीक नहीं है और अमृत वेले में भी सोना ठीक नहीं है। ये दोनों समय भगवान का भजन करने के लिए है। गुरु महाराज जी ने कहा, महात्मा गांधी जी का नियम था कि वे अमृत वेले कभी सोते नहीं थे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार उनसे किसी ने पूछा, महात्मा जी, क्या आपको कोई ऐसा दिन याद है जिस दिन आप अमृत वेले नहीं जागे हों? महात्मा गांधी ने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। फिर उनसे पूछा कि यदि कोई आपको ऐसी गोली दे दे जिससे आपको नींद आ जाए और आप अमृत वेले में नहीं जाग पाए और सो जाए? महात्मा गांधी जी ने दृढ़ता से कहा, भाई, प्रकृति को भी ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे इस ब्रह्म वेला में सुला दे। गांधी जी अपने निश्चय के इतने पक्के थे। वे कहते थे, अरे कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके मैं अमृत वेले में जाग कर मुख से राम नाम का उच्चारण करता ही हूँ। अमृत वेले में जागने के कारण संसार में उनका यश हुआ। गुरु महाराज जी ने प्रेमियों से कहा, आप लोग एक बात याद रखें, प्रातःकाल निराहार यानी नाश्ता किए बिना जब आप घी खाएंगे तो वो हजम हो जाएगा, और यदि दोपहर में खाएंगे तो हजम नहीं होगा और खट्टी डकारे आएंगी। इसी प्रकार प्रातःकाल जो आप ज्ञान उपदेश सुनेंगे या नाम अभ्यास करेंगे या बैठकर गुरु मंत्र का जाप करेंगे, स्मरण करेंगे, आत्म चिंतन करेंगे, तो ये चिंतन अभ्यास आपके रोम रोम में समा जाएगा। जैसे प्रातः नाश्ते में रोटी का ग्रास मिल जाता है तो दोपहर में खाना मिले या ना मिले फिर भूख कम सताती है, किंतु नाश्ता खाए बिना दोपहर तक भूख जरूर लगती है। इसी प्रकार नाम जप, आत्म चिंतन या गुरु मंत्र का अभ्यास, ये सब प्रातः ब्रह्म वेला में करेंगे तो उसका असर पूरा दिन रहेगा, व्यवहार भी सुचारू रूप से चलेगा। खाली मटका पोला होवे और उसमें पानी डालें तो पानी उसके रग रग में समा जाएगा। इसी प्रकार अमृत वेले का जो समय है वो पोला है। जब हम नींद से उठते हैं तो ज्यादातर संसार के ख्याल नहीं आते। यदि उस समय ईमानदारी से और प्यार से नाम जपेंगे तो वो भी हमारे रग रग में समा जाएगा। आजकल तो जगाने के लिए बहुत सारे साधन हैं, जैसे घड़ी या मोबाइल फोन वगैरह। पहले ये साधन नहीं हुआ करते थे, फिर भी लोग अमृत वेले में उठते थे। पर कोई साधन हो या ना हो, शंकर भगवान जगाने के लिए जिम्मेदार हैं। ये ड्यूटी शंकर भगवान पर है,
आप शिव पुराण पढ़कर देख लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर और पार्वती माता दोनों बैल पर सवार होकर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं और सबको जगाते हैं। क्या कहते हैं? राम के प्यारे उठो, राम के प्यारे जागो। यदि आप लोग प्रयोग करके देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। किसी को गहरी नींद होवे तो भी वो 4-5 बजे के बीच करवट जरूर लेता है और थोड़ा थोड़ा जागता भी है। फिर कोई गाफिल हो तो वो उस तरफ ध्यान न देकर फिर से सो जाता है। ये फिर से नींद क्यों आती है, इसका कारण जानते हैं? आगे आगे होते हैं भगवान शंकर, जो सबको जगाते हैं, और पीछे से पार्वती माता आकर कहती है, सो जा बेटे, सो जा। इसका मतलब ये है कि पुरुष हमेशा चाहता है कि लड़का जागे और माता चाहती है कि पुत्र सो जाए, ताकि मैं घर के काम काज पूरे कर लूं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।